हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं शरभ। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लिखा हूं यहां पे ये एक्टिव मॉनिटर। बेसिकली दोस्तों ये एक्टिव मॉनिटर रहने वाला है डीजे लाइव कॉन्फ्रेंस हर जगह में यूज, कैरियोके में यूज, हर जगह यूज होने वाला है। टेस्टिंग कुछ अलग होने वाली है, खोल के भी देखेंगे हम इसे, अंदर क्या लगा है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो काफी अच्छी होने वाली है और वीडियो को शुरू करने से पहले भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। थोड़ा सा जो है वो बॉक्स बड़ा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको पीछे कर दिया और यहाँ से टेबल हटा चुका हूँ। तो यहाँ पे भी आप बॉक्स को देख सकते हैं और बॉक्स पे क्या क्या डिटेल है वो हम बता देते हैं। एरोस इंडिया की ब्रांडिंग है, मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है APS 315A के नाम से इसको जाना जाता है। बस यहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल नहीं, बाकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। फटाफट से यहाँ से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा क्लोज लुक दिखाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये ऊपर से एक फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है, साइड में आप देख सकते हैं और गत्ते लगा रखे हैं ताकि इधर से उधर ना हिले। और इसके अंदर दोस्तों पावर पोर्ट भी आपको मेंशन कर रखी है। यहाँ पे आ जाता है दोस्तों हमारा मॉनिटर। ये आप यहाँ पे मॉनिटर को देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर बॉक्स में अभी हम देख लेते हैं और क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ये यूज़र मैनुअल मिल जाती है आपको, इसके अंदर एक रिमोट भी है दोस्तों। और बस दोस्तों बॉक्स में इतना ही था। बाकी ये मॉनिटर को आप जो है वो क्वालिटी को देख सकते हैं यहाँ पे। यह आ जाता है हमारा मॉनिटर, चलते हैं इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने देखी यहाँ पे हमारे मॉनिटर के अनबॉक्सिंग। अब बात करते हैं दोस्तों उसकी डिटेल में, यानी हमें जो मॉनिटर में है वो क्या क्या डिटेल देखने को मिल जाती है और क्या क्या चीज़ें कहाँ लगी हुई हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। फ्रंट लुक पे अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये आपको ये जो है वो HF का एरिया मिल जाता है। बेसिकली दोस्तों जो HF का फ्लेयर है वो यहाँ पे पूरा इनबिल्ट बॉडी के अंदर करा गया है। इससे दोस्तों ये फायदा है कि मजबूती जो है और जो सेफ्टी है वो दोगुना और बढ़ जाएगी। नीचे की साइड देख सकते हैं ये आ जाता है स्पीकर का एरिया। इसके अंदर दोस्तों जो स्पीकर यूज करा गया है वो है 15 इंच का स्पीकर इसके अंदर यूज करा गया। यहीं पे आपको दोस्तों ये देखने को मिल जाती है एरोंस इंडिया की ब्रांड। और ओवरऑल जो ग्रिल की क्वालिटी है वो हमें काफी मजबूत देखने को मिलती है, यानी जो गेज इसके अंदर यूज करा गया है वो काफी मजबूत गेज इसके अंदर यूज करा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी साइड लुक, और यहाँ पे साइड लुक में हमें क्या क्या चीजें मिल जाती है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल आपको जो प्लेन है उस टाइप का सरफेस देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों ये जो है वो ग्रिप आपको उभरी हुई सी देखने को मिल जाती है। अगर आप इसको टिल्ड यानी जो स्टेज मॉनिटर की तरह यूज करेंगे तो यहाँ पे ये काफी आपको मदद करेगी। यहीं पे दोस्तों ये आता है हैंडल, और हैंडल काफी अच्छा साइड से ऐसा हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे पीछे लुक की। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम पीछे के लुक से। यहाँ पे आपको जो है वो हैंडल देखने को मिलता है, ये भी आप अपने हिसाब से रिमूव कर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये हैंडल ये ऐसे ही लगा रहेगा। तो इसके अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये आता है मल्टीमीडिया। तो बेसिकली दोस्तों ये मल्टीमीडिया आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का भी ऑप्शन मिलता है, USB भी आपको दे रखा है। इसमें आप मेमोरी या फिर आप पेन ड्राइव दोनों में यूज कर सकते हैं। बाकी ये सिलेक्शन स्विचेस हो गए, मोड, और यहाँ पे ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ये चैनल 1 हो गया, ये चैनल 1 का इनपुट ऑक्स से आप इनपुट कर सकते हैं, होता है TS वाला जो जैक होता है उससे इनपुट कर सकते हैं, XLR का भी यूज कर सकते हैं। बाकी 5 बैंड का आपको इक्वलाइजर भी देखने को मिल जाता है। यही दोस्तों नीचे की साइड बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक और माइक इनपुट मिल जाता है लाइन का। यहाँ पे आप RC का भी यूज कर सकते हैं, फिर ऑक्स हो गया, फिर इसका लेवल हो गया इस वाले सेक्शन का, उस सेक्शन का ये वाला लेवल हो गया। यहाँ पे ब्लूटूथ का यानी हमारी जो मल्टीमीडिया है उसके लिए ये काम में आता है। यहाँ पे आप जो मास्टर है वो देख सकते हैं, ये ओवरऑल का मास्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यही पे दोस्तों एरोंस इंडिया की ब्रांडिंग यहाँ पे देख सकते हैं, एरोंस इंडिया, मॉडल नंबर भी मेंशन कर रखा है दोस्तों APS 315A। यहीं पे दोस्तों ये देख सकते हैं पावर इनपुट हो गया जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। जस्ट उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये हमें स्विच भी यानी जो फ्यूज है वो देखने को मिल जाता है, ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन हो गया। और ये दोस्तों हीट सिंक डमी है, इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके अंदर जो हीट सिंक लगी है वो भी हम दिखाएंगे। बाकी ये पीछे का जो गैपिंग है वो आपको ऐसे देखने को मिलता है। इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे की साइड रखूं, यानी कुछ इस टाइप से रखने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे आपको ये होल देखने को मिल रहा है जिससे आप जो स्टैंड होगा उससे इसको रख पाएंगे नहीं, स्टैंड पे आप इसको खड़ा कर पाएंगे। तो आउटडोर इंडोर दोनों के लिए काफ़ी काम में आता है। अगर हाइट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये आप इससे टाइट इसको कर सकते हैं। बाकी रबड़ ग्रिप हो जाती हैं ये चारों, आप देख सकते हैं ये रबड़ ग्रिप आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये व्हील्स हो गए दोस्तों इसके। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस मॉनिटर को, और यहाँ पे मैं खोल चुका हूँ आपको स्पीकर की क्वालिटी दिखाने के लिए।
तो फिलहाल में अब ये है जो स्पीकर की क्वालिटी को देख सकते हैं, 3 इंच की वॉइस कॉल इसके अंदर यूज करी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी वाकई में इसकी जबरदस्त है। कोन की क्वालिटी में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लाइक दिस कोन की क्वालिटी को आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो यह रहता है दोस्तों हमारा HF ड्राइवर जो कि 40 वॉट RMS वाला HF ड्राइवर है। ओरिजिनल हमारा यहाँ पे 450S यानी हमारा एरोंस का ही डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटेनियम का इसके अंदर आपको जो है वो HF ड्राइवर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे अगर मैं आपको स्पीकर की बैक साइड दिखाऊँ तो यह बैक साइड को यहाँ से कुछ इस टाइप से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है ये स्पीकर, और यहाँ पे जब टेस्टिंग आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप इम्प्रेस होंगे। बाकी इसके अंदर का ये जो बोर्ड है वो आप देख सकते हैं, मेन यहाँ पे ये बोर्ड है, हीट सिंक इसी के अंदर दे दी गई है, तो ये पूरा हीट सिंक से कवर है। साथ ही ये मल्टीमीडिया के बोर्ड आ जाते हैं इनपुट और आउटपुट के। कैबिनेट बहुत ही मजबूत यहाँ पे यूज़ करी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैबिनेट की क्वालिटी को बिल्कुल लाजवाब कह सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा यहाँ पे आपको ये मॉनिटर? आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। बेसिकली दोस्तों इसकी जो अंदर की वीडियो मैंने अभी आपको स्पीकर दिखाया और HF दिखाया है, तो ये काफ़ी पुरानी है और यहाँ पे ये तकरीबन मैं 2 महीने से इसको यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी इंप्रेस हुआ मैं इसकी क्वालिटी के साथ, यानी जो इसकी बेस की क्वालिटी है वो आपको जैसे हेडफोन में सुनाई देती है, आप ये जो ईयरफोन्स लगाते हैं उस टाइप की इसकी बेस की क्वालिटी है। वाकई में काबिल तारीफ है इसका जो स्पीकर है वो, यहाँ पे पता नहीं किस टाइप से बनाया गया है, मैं सुन के दंग रह गया इसको। खैर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कुछ डिटेल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की, तो 45 से लेके 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। यहीं अगर मैं बात करूं इस स्पीकर की जो वॉइस कॉल साइज़ है वो 3 इंची की रखी गई है। यहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी पावर यानी RMS पावर की, तो दोस्तों इसकी जो पावर है वो है 400 वाट, यानी इसकी जो RMS पावर 400 वाट। तो दोस्तों ओवरऑल जो पावर है वो यहाँ पे हमें अच्छी देखने को मिलती है, 400 वाट RMS पावर बहुत है। और जब बजता है तो क्वालिटी कमाल की मिलती है, आप जब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे इसकी क्वालिटी के साथ। यही मैं बात करूं दोस्तों इसकी सेंसिटिविटी, तो 97 dB आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यही अगर मैं बात करूं SPL की, तो 190 से लेके आपको 125 dB तक का जो है वो SPL यहां पे आपको देखने को मिलेगा इस मॉनिटर के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों जो टेस्टिंग है बहुत ही दमदार और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। टेस्टिंग पे क्यों होने वाली है? आपको पता था कि यहाँ पे जो 22 मार्च था शाम को 5 बजे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री है, तो उनने बोला था कि आप जो इम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे डॉक्टर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं हमारे लिए कोरोना वायरस से बचाने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा आप उनके लिए यानी एक तरीके से जैसे कह सकते हैं हम थोड़ा मोटिवेशन कह सकते हैं कि उनको मिलेगा इस ये चीज़ करने से। आप अपने बैल्कनी में आके फिर छत पर जाके थोड़ा सा तालियाँ बजा दिए, फिर जो आपकी प्लेट हैं या फिर जो थाली है उसको बजाइए, ताकि उनको भी लगे कि यार हमारे देश में हमारे लिए कोई है और हमको भी कोई देख रहा है और हमारी जो काम है उनको सराहा रहा है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पे हम इसकी भी टेस्टिंग उसी टाइम करते हैं, तभी हमें पता लगे कि इसकी क्वालिटी और रेंज। तो दोस्तों इसको मैंने आउटडोर पे यानी हमारे 3rd मंजिल पे लगाया। मंजिल पे लगाने का मतलब यह है कि ये थोड़ा सा हाइट से हो गया और जो थ्रो थी यहाँ पे दूर की जो थ्रो मेरे को मिल रही थी बहुत ही बढ़िया मिल रही थी, वो टेस्टिंग दिखाता हूँ। साथ के साथ यहाँ पे आउटडोर टेस्टिंग भी मैंने इसकी अलग कर रखी है, वो भी मैं आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ। चलिए पहले देख लेते हैं हमारे जो 3rd मंजिल वाली है, 22 मार्च 5 बजे ठीक हमने टेस्टिंग करी थी, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए हाइट पे तो इसकी जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं, बुकिंग के लिए संपर्क करें अजंता डीजे साउंड।
दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद आई होगी। और दोस्तों यहाँ पे लॉकडाउन के अलावा भी मैंने यहाँ पे आपको जो आउटपुट है वो पूरी सुनाने की कोशिश करी। बाकी आपने देखा यहाँ पे 22 मार्च 5 बजे की जो टेस्टिंग थी बहुत ही आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पे जो उसका लॉन्ग थ्रो था और यहाँ पे जो पंच था और यहाँ पे जो वाइब्रेशन था, यानी जो क्लियर साउंड थी इसकी, बहुत ही मज़ेदार थी, सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, कानों को चुभ नहीं रहा था, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। स्टेज पे आप इसको यूज़ करें, यानी लाइव साउंड में आप इसको यूज़ करें मॉनिटर की तरह, बिल्कुल से बिल्कुल मज़ा सा आ जाएगा। बाकी दोस्तों इसकी बात करते हैं प्राइसिंग डिटेल्स। दोस्तों प्राइस है इसकी 18,000 इसकी प्राइस रखी गई है एरोंस इंडिया की तरफ से। तो आपको ये श्योर होगा एरोंस इंडिया का कस्टमर केयर नंबर, तो यहाँ से आप अपने स्टेट का डीलर का एड्रेस ले सकते हैं, या फिर कहाँ से अवेलेबल होगा वो भी आपको यहीं बता दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपको यहाँ मेरे से परचेज करना है, यानी डीजे ब्लॉक से परचेज करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे अवेलेबल मैं आपको मिलूंगा। तो मेरा भी नीचे व्हाट्सएप नंबर है और कंपनी का भी आपको जो कस्टमर केयर नंबर है वो मिल जाता है, तो आप दोनों से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया मेरी सर्विस है, किसी भी देश के कोने में बैठे हो बाय कोरियर बाय एयर बाय ट्रांसपोर्ट भेज दिया जाएगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।